गाइस, दिस इज रोहित शाह फ्रॉम रोहित सेकंडा ब्लॉग्स एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं मई 20 का स्टूडेंट हूँ कनाडा का। सो आई जस्ट केम अप विद द न्यू अपडेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो अभी मई में जो भी जाने वाले थे वहाँ पे, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे न्यूज़ रिलीज और बहुत सारे अपडेट्स अभी आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोज़ इसके ऊपर बना चुका हूँ। जैसे जैसे अपडेट्स मेरे पास आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। तो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो सब अपने घर पे रह के आउटसाइड ऑफ कैनेडा में अपना 50% सिलेबस स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। सो बहुत सारी कॉलेजेस अभी कोऑर्डिनेट कर रही है, फैसिलिटीज़ उतना अवेलेबल करवा रही है, प्लस सारे स्टूडेंट्स से कंफर्मेशन ले रही है अगर वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ कंफर्टेबल है तो वो ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर जितना सब कुछ वो असाइनमेंट से लेके स्टडी से लेके वो जो भी एग्जामिनेशंस है वो ऑनलाइन कंडक्ट करने का ट्राई कर रही है। तो इससे क्या होगा, अभी ऑनलाइन कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो सारा मैं ये वीडियो में डिस्कस करूँगा, जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। सो एंड एट द एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल ऑल्सो शेयर द स्क्रीन जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने ये अनाउंसमेंट करी है। तो मैं हमेशा लीगल सोर्सेज यूज़ करता हूँ, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ पूरा का पूरा रिलायबल होता है, तो आप लोगों को फिर कोई कन्फ्यूजन उसके बाद रहे नहीं। और जो भी लिंक्स होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऑनलाइन कोर्सेज कैसे कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या है, क्या हमें ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आपको एक तो हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, दूसरा आपके पास मोबाइल में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये बात श्योर है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है। तो जो भी नोट्स या जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको नोट डाउन करने हैं, फैकल्टीज जो भी बताएंगे, उसके लिए आपको लैपटॉप का स्क्रीन चाहिए। और विजिबिलिटी के लिए आपको HD में वो वॉच करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज टू नहीं हो, आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ उसमें स्टडी करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मेन इंटेक आपने ऑफ कर लिया ऑनलाइन, तो मेरी कॉलेज का तो ऐसा है कि वो लोग एक सेमेस्टर का रिफंड तो किसी हाल में नहीं करेंगे अगर मैंने 10 दिन तक क्लासेस ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैंने ये भी कंफर्मेशन किया कि एग्जामिनेशंस का क्या, तो एग्जामिनेशंस भी वो लोग ऑनलाइन ही कंडक्ट करने वाले हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का मतलब है कि आपका टाइपिंग स्पीड भी उतना अच्छा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैंने ऑप्ट किया है ओनली बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। मैंने कॉर्पोरेट में 6 साल तक वर्क किया है, मेरी टाइपिंग स्पीड, मेरा कंप्यूटर स्किल्स, जो भी एक्सेल स्किल्स बहुत ही एक्सेलेंट है, मुझे एडवांस लेवल की एक्सेल आती है। तो अगर ये सारी चीज़ों से आप भी अगर फैमिलियर हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज दैट, एक तो आपको 4 महीने आपका सेव होगा, 4 महीने सेव होगा मतलब वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको। आप उतना जल्दी वहाँ पे वर्क करना चालू कर सकते हो, आप PR के लिए उतना जल्दी एप्लीकेशन कर सकते हो। और दूसरा, सितंबर इंटेक में आप अगर डिफरल लेते हो तो उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो मई इंटेक के जो डिफरल लेंगे वो, प्लस जो सितंबर इंटेक में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं वो, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा। तो मई इंटेक का एक और बेनिफिट है कि अभी मतलब आप चार महीने ख़त्म कर लेते हो, तो बैलेंस स्टडी ही आपको वहाँ पे जाके कॉलेज में करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा था कोरोना वायरस के बारे में। तो अभी तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटा दिए है, अगर किसी कंट्री का कोई वो, इंडिया में तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अभी तक है 3 मई तक, इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक फ्लाइट दोनों ही बंद है। तो इंडिया से तो आप बाहर जा ही नहीं सकते हो अगर आप इंडिया में हो, तो अगर आप किसी और कंट्री में हो तो अगर फ्लाइट्स अलाउ कर रही है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो आप जा सकते हो सब्जेक्ट टू सेल्फ क्वारंटाइन फॉर 14 डेज़। तो वो सेल्फ क्वारंटाइन में आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी,
अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या क्लोज़ फ्रेंड है या तो फिर ऐसे कुछ है जो आपको ग्रोसरीज ना वो सब अरेंज करके देता है तो ही वो लोग अलाउ करेंगे, अदरवाइज फ़ाइन बहुत ही हार्श है, लगभग $10,000 या हर एक प्रोविंस अलग अलग है, $1,000, $5,000, $10,000 सारे प्रोविंसेस ने अलग अलग पेनल्टीज लगाई है अगर से आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहते हो और अगर आप बाहर घूमते हुए दिखे तो ये बहुत ही ह्यूज पेनल्टीज़ है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। सो मेरा तो सितंबर जब 27 को जब अपडेट आया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं उस टाइम मैं जाने के मूड में नहीं था, अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस का ही वेट कर रहा था कि अगर वो लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा और जो भी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर या लैपटॉप से यूज़ टू है इंटरनेट कनेक्शंस अगर कर सकते हैं और भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस क्या होंगे कि वो रात को कंडक्ट होते हैं क्योंकि वो कैनेडियन टाइम के हिसाब से चलेंगे तो अपने लिए वो नाइट होगा अगर वहाँ पे डेज रहता है तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन या सेपरेट लैपटॉप नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होगा क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसे रात को जागना 3-4 घंटे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तो अगर आपके पास सेपरेट रूम हो तो ही जाए और अगर आप श्योर नहीं हो कि मैं इस सिलेबस को कॉप अप नहीं कर पाऊँगा ऑनलाइन मुझे फ़िज़िकल रिसोर्सेज चाहिए और जो बुक्स है वो सब भी मुझे फ़िज़िकल चाहिए क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में आपको बुक्स भी ई बुक्स मिलेगी कॉलेज की तरफ से और उसके लिए भी आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा जो भी कॉलेज डिसाइड करेगी वो। ई बुक में पढ़ना इतना ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आप यूज टू नहीं हो तो ये सही में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाने वाला है डिसाइड करना। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो भी उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अभी मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है ऑनलाइन क्लासेस का वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, आप लोग देखिए जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए और बहुत ही वाइज डिसीज़न और बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा क्योंकि एक सेमेस्टर में अगर ऑनलाइन में आपको नहीं फाया तो एग्ज़ामिनेशन में आपको दिक्कत होने वाली है और आगे जाके भी आपको दिक्कत होने वाली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न था जिसको मैंने भी बहुत सोच समझ के लिया, बहुत सारे थिंग्स को कंसिडर करके मैंने ये डिसीज़न लिया है पर आप लोग भी मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ध्यान से ये डिसीज़न लें बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अपने ने मनी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमको प्रॉपर नॉलेज मिले इसके लिए आप बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न ले और जो भी आपका कॉलेज से कोऑर्डिनेट करने के लिए कॉल या मैसेज ईमेल थ्रू आता है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही सोच समझ के ले, जो भी आपके सीनियर्स या जो भी आपके जो वीज़ा कंसल्टेंट है उनसे भी डिस्कस कर ले कि इसके शॉर्टकमिंग्स क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो एजुकेशन के बाद मिलता है, जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलता है उस पर ये एलिजिबल नहीं होते ऑनलाइन क्लासेस वाले, पर ड्यू टू अगर COVID-19 की वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने पड़ रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर एग्जम्पशन दिया हुआ है। तो अगर आपने 2 साल का कोर्स लिया है, 6 महीने आपने ऑनलाइन किया और 1.5 साल आपने वहाँ पर जाके स्टडी अटेंड करी तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलना ही है। अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया है, 6 महीने आप यहाँ से कर रहे हो, 6 महीने वहाँ पर जाके कर रहे हो तो भी आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो वर्क परमिट में एक गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिलीफ है। जो भी आउटसाइड कनाडा से अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो रेगुलर ही होगा, लेकिन क्या होगा कि वो फिज़िकली क्लासेस की जगह ऑनलाइन में वो लोग ये अटेंड करने वाले हैं। तो चलो अभी वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशंस है और मैं कोरोना वायरस का जो लाइव अपडेट है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आज के दिन, आज 18 अप्रैल 2020। तो कोरोना वायरस के भी डिटेल्स लेंगे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है और कनाडा में क्या सिचुएशंस है। चलो फिर वेबसाइट पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है तो इसमें अभी एक अपडेट आया COVID-19 की वजह से जो भी इमिग्रेशन पे इफेक्ट आया उसके हिसाब से। तो अपने जाते हैं विजिटर नहीं, ये अपने काम का नहीं है। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये जो पोर्शन है ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया इंटरनेशनल स्टूडेंट के
ऊपर से अगर उसका स्टडी परमिट 18 मार्च के पहले अगर अप्रूव हो गया है तो सब्जेक्ट टू उसको सेल्फ क्वारंटाइन उसको फॉलो करना है 14 डेज के लिए इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला वो ये चीज़ है, तो ये अपडेट अभी लेटेस्ट आया है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हो कोविड 19 की वजह से। एंड दिस इंक्लूड्स स्टूडेंट हु हैव अ स्टडी परमिट और हु हैव बीन अप्रूव फॉर अ स्टडी परमिट फॉर अ प्रोग्राम स्टार्टिंग इन मे और जून बट हु आर अनेबल टू ट्रैवल टू कैनेडा एट दिस टाइम ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन दिस सिचुएशन में बिगिन देयर क्लासेस वाइल आउटसाइड कैनेडा एंड मे कम्प्लीट अप टू 50% ऑफ देयर प्रोग्राम। ये बहुत ही ग्रे एरिया है अभी, इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। तो एटलीस्ट हम 50% अपना सिलेबस वाइल आउटसाइड ऑफ कैनेडा इफ दे नॉट ट्रैवल टू कैनेडा दे कैन नॉट ट्रैवल टू कैनेडा सूनर। इसमें वही बताया गया कि जो मई और जून के इनटेक वाले हैं अगर वो किसी भी रीजन की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे कैनेडा में एंटर नहीं हो पा रहे वो अपना 50% सिलेबस आउटसाइड ऑफ कैनेडा में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। उससे उनका एलिजिबिलिटी जो वर्क परमिट के लिए होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जनरली 1 or 3 years का वर्क परमिट इशू होता है। अगर आप 1 साल का कोर्स ले रहे हो तो 1 साल का मिलेगा, अगर 2 साल का कोर्स ले रहे हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो ये उन्होंने क्यों डाला, एक्चुअली जो वर्क परमिट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वो ऑनलाइन क्लासेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जनरली वो लोग ऑनलाइन क्लासेस पे वर्क परमिट नहीं देते हैं, पर अभी ये कोविड 19 की वजह से अगर ऑनलाइन क्लासेस उनको हमको लेना पड़ रहा है तो वो लोग हमको जो भी एलिजिबल वर्क परमिट होगा वो देने वाले हैं। इसके लिए वो उन्होंने ये लाइन यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलो अभी कोरोना वायरस के केसेस देख लेते हैं। ये वर्ल्डोमीटर्स करके वेबसाइट है जहाँ पे करंट अपडेट देता है। तो 22,50,000 केसेस हो चुके हैं टोटल कनाडा में। अभी जो सिचुएशन है वो 32,000 अप्रॉक्सीमेटली है और इंडिया में 15,000 है। तो ये दोनों ही लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो आपका डिसीज़न है अभी ऑनलाइन क्लासेस का ये बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। इसके लिए मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप सब अभी ठीक होंगे आप लोग और शायद बहुत ही जल्द अपने अभी शायद मई में मिलने वाले थे पर बहुत ही जल्द अभी अक्टूबर या सितंबर या अगस्त में अपने सब मिलेंगे। देखते हैं कितने दोस्त मुझे वहाँ पर मिलते हैं जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए तो क्या मैं और भी दोस्तों को हेल्प कर पाऊँ जितना हो सके उतना। तो ऐसे ही करंट अपडेट्स इसी मेरे चैनल का करंट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको जो रेगुलर अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि मैं अभी कनाडा के ऊपर सारे जितने भी अपडेट्स हैं उसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको बेनिफिट हो और कोई भी आपके कन्फ्यूजन और वो सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। होपफुली अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो बाय।